हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तनकपुर आ चुका हूँ जो कि उत्तराखंड में है, और यहाँ से मैं जाऊँगा पिथौरागढ़। हमारी जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ से पिथौरागढ़ पहुँचने में बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोग 1 बजे आए हैं तो रात के लगभग 10-11 बजे हम पहुँच जाएंगे। ये जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि हमें पहाड़ों के रास्ते से जाना है, और अगर वेदर ख़राब हो गया तो ये जर्नी और भी चैलेंजिंग हो जाएगी। पिथौरागढ़ जाने के लिए हमें तनकपुर या काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ता है, और फिर वहाँ से हमें कैब या कार किसी भी 4-व्हीलर्स में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती है और ये पहाड़ के रास्ते हैं, इसलिए यहाँ पर 4-व्हीलर से ही जाना पड़ता है या 2-व्हीलर से भी जा सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होती रहती है। आप आगे रास्ते में देखेंगे कि यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई है, पर इतना ख़तरनाक नहीं था, रास्ता क्लियर था। ये काफ़ी दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी इसलिए अभी तो रास्ता क्लियर है, पर आगे काफ़ी मिट्टी पत्थर गिरा हुआ था जो आप देखेंगे आगे वीडियो में। और अब चलते चलते हम देख सकते हैं मौसम भी ख़राब हो गया है, अब हमारा व्यू क्लियर नहीं होगा। पर ये मौसम तो अच्छा ही लग रहा है देखने में, पर ये ड्राइविंग के लिए उतना ही ख़तरनाक है। पर हम लोग फिर भी कंटिन्यू करेंगे, और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। आप इस इंटेंस व्यू को एंजॉय कीजिए क्योंकि अब उतना ही मज़ा आने वाला है ये व्यू देखकर, क्योंकि पहाड़ों में जो भी व्यू दिखता है भले ही मौसम ख़राब हो तो वो उतना ही इंटेंस और ब्यूटीफुल दिखता है, पर ड्राइविंग के लिए उतना खास नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया। और देख सकते हैं ओस काफ़ी आ चुकी है, हमें व्यू भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। वैसे वीडियो की शुरुआत में आपने देखा ही होगा तनकपुर में वेदर कितना साफ था, और जैसे ही हम पहाड़ चढ़ने लगे तो देखा मौसम पूरा ही ख़राब हो चुका है। पिथौरागढ़ मैं 2 हफ्ते के लिए आया हूँ और मैं काफ़ी प्लेसेस घूमने वाला हूँ, तो काफ़ी वीडियोस पिथौरागढ़ पे आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड तो फेमस है ही, पर पिथौरागढ़ इतना फेमस नहीं है। पर यहाँ पर काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं जैसे कि पाताल भुवनेश्वर, कुछ वाटरफॉल्स और एडवेंचर पार्क्स, और बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आगे वीडियो में आएंगे, और जो भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस होंगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू दी जर्नी फ्रॉम तनकपुर टू पिथौरागढ़।
लगभग रात के 10 बज चुके हैं और हम पिथौरागढ़ पहुंचने ही वाले हैं। ये जर्नी काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि वेदर भी काफ़ी ख़राब हो गया था। तो आप देखेंगे अगली सुबह मैं कहाँ रहने वाला हूँ। सो गाइज, कल रात को मैं पहुंच गया था पिथौरागढ़ और इस क्वार्टर्स में मैं 2 हफ्ते के लिए रहने वाला हूं। यहां पर आसपास की सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी है। यहां पर पहाड़ है, बड़े पार्क्स है, ग्रीनरी तो बहुत ही है। तो आपको आगे वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है ये व्यू देखकर। मिलते हैं अगले लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।